नमस्कार, हिमाचल अभी अभी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अवंतिका खत्री। क्या आपको भी अस्पताल में लंबी लाइन में लगना पड़ता है? क्या आप भी अपनी बीमारी से जुड़े पुराने कागजात संभालते संभालते परेशान हो गए हैं? अगर आप इन सब परेशानियों से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आपको अपना आभा कार्ड बनवा लेना चाहिए। जान लें कि आभा कार्ड को आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत लॉन्च किया गया है। आभा कार्ड बनवाने पर आपको 14 अंकों का नंबर मिलता है, जैसे आधार कार्ड में नंबर मिलता है, ये वैसा ही होता है। आभा कार्ड के 14 अंकों के नंबर में आपकी हेल्थ से जुड़ा सारा डेटा रहता है। ये एक तरह से आपका हेल्थ आईडी कार्ड होता है। आइए जानते हैं कि आभा कार्ड आप कैसे बनवा सकते हैं और इससे आपको क्या क्या फायदे मिलेंगे। आभा कार्ड अपने यूजर्स को डिजिटल कार्ड का फ्री में एक्सेस देता है। आभा कार्ड बन जाने पर आपको डॉक्टर के पास अपनी बीमारी के पुराने कागजात नहीं लेकर जाने होंगे। आभा कार्ड देखकर डॉक्टर बता पाएगा कि आपने कहां कहां पर इलाज करवाया है, आपको कौन सी पुरानी बीमारियां हैं, आपका क्या दवा जो है आपने पहले खाई हुई है। आभा कार्ड का फायदा ये भी है कि 10 साल बाद भी आप ये देख पाएंगे कि आपने क्या क्या दवाइयां खाई हैं। इससे डॉक्टरों को आपके इलाज करने में मदद मिलेगी। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर ये आभा कार्ड बनता कैसे है। आभा कार्ड बनाने के लिए सबसे पहले आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं। ऑफिशियल वेबसाइट के होम पेज पर आपको क्रिएट आभा नंबर का ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद अगले पेज पर आपको कार्ड बनाने के लिए दो ऑप्शन, आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस नजर आएंगे। फिर दोनों में से कोई भी ऑप्शन चुनने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करें। अब नए पेज पर आधार नंबर या ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर टाइप करिए। इसके बाद आई एग्री के आगे टिक मार्क करें और कैप्चा कोड भर दें। फिर नेक्स्ट पर क्लिक करिए। अब आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। फिर OTP दर्ज करने के बाद अपनी अहम जानकारियां एप्लीकेशन फॉर्म में भरिए। इसके बाद आप माय अकाउंट पर जाइए और वहां अपनी फोटो अपलोड करिए, फिर सबमिट पर क्लिक करें। अब आपका आभा कार्ड बन चुका है, आप इसे डाउनलोड या प्रिंट कर सकते हैं। तो इस जानकारी में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।